नो नो मैम, मैम, चलो कोई नहीं, क्लास के बाद खाएंगे। देखिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिवीजन में मैं आपको दिखाऊं कल हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ मिसिंग है ना, एक सेकेंड, एक स्लाइड मिसिंग है। अच्छा देखिए यहीं से करके दिखाते हैं आपको। देखिए कल हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने जो केस ले रखे हैं वो ले रखे हैं, एक धागे से हमने एक पार्टिकल को या एक बॉब को बांध रखा है और उसका मोशन हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल नहीं स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसका ये वाला मोशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां से हमने देखा था जो फर्स्ट केस था, तीन मेजर पॉइंट थे। एक है ये पॉइंट ए, एक ये पॉइंट है बेटा बी, और एक ये पॉइंट होता है सी। इन तीन पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में समझ लेते हो आपका कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि चलो हमने थोड़ा सा उसको स्पीड दिया, ये बॉब को जो है थोड़ा सा स्पीड दिया, ये यहां से थोड़ा ऊपर गया होगा। अब एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसका स्पीड जो है वो घटता है ऊपर जाते हुए। क्यों घटता है चलो बताओ, क्यों घटता है बताओ, ऊपर जाते हुए बेटा स्पीड क्यों घट रहा है वर्टिकल सर्कुलर? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वो अगेंस्ट जा रहे। क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो घटता चला जाता है, एक इस पॉइंट पर आकर मिनिमम हो जाता है या जीरो भी हो सकता है, और इसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। ओके, और मान लीजिए टेंशन, टेंशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई अगर आपने स्ट्रिंग ले रखा है उसके साथ आपने बॉब अटैच किया तो उस स्ट्रिंग के अंदर, उस धागे के अंदर क्या होगा, टेंशन होगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कल सॉल्व किया था कि टेंशन भी डिक्रीज होता है ऊपर जाते हुए। तो ये सब चीज पढ़ने के लिए हमने कोई भी एक बीच का पॉइंट उठाया था। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ए से बी के बीच में कोई भी एक हमने पॉइंट उठाया, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस चेक करे, जैसे इसका वेट इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। मान लीजिए ये जो सेंटर पॉइंट है ये ओ है, ओ और ए, ओ ए के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल है तो आपके पास ये भी थीटा होगा। तो हमने एमजी के कंपोनेंट लिए, एक एमजी कोस थीटा लिया। ठीक है, और आपके पास एक टेंशन आएगा और एक क्या आएगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम इसको स्टडी कर रहे हैं इसी के ऊपर बैठ के। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, सॉरी जो सर्कुलर मोशन है इसके अंदर वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है ना। तो यू आर यस मैम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ तो खैर हमारे पास स्पीड भी बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है, तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वहां वहां हम लोग क्या फील करते हैं कि अगर हम उसके ऊपर ही बैठ के देख रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि हमके हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एमवी स्क्वायर बाय में। अब ये बॉब ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, तो हमने इसके लिए ये वाली एक इक्वेशन लिखी थी, टी इज इक्वल टू अंदर की तरफ टेंशन और बाहर क्या है एमजी कोस थीटा प्लस में एम वी स्क्वायर बाय में आर, ये लिखा था ना, ये सबको क्लियर है? यस मैम। इसको हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि भाई ए से बी तक थीटा पॉजिटिव है, मतलब कोस थीटा पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू 0, 30, 40, 45, 90 तक आप लेके जा रहे हो, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। सो यहाँ पर अगर हम ए से बी में स्टडी कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेकेंड एम वी स्क्वायर बाय में आर भी पॉजिटिव है, वी का स्क्वायर है, एम है, बाय में आ रहा है, डिक्रीज जरूर हो रहा है स्पीड, लेकिन नेगेटिव थोड़ी है। स्पीड तो वैसे भी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास ए से बी के बीच में टेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट, नोट डाउन कर लो, टेंशन बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर टेंशन आपके पास होती है ना स्ट्रिंग में, तो वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। अगर वो मान लो टेंशन है तो क्या करेगा, मान लो आपने कुछ भी स्पीड दिया इसको, थोड़ा सा आपने स्पीड दिया, ये यहाँ से हिला, थोड़ा और दोगे और ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपने थोड़ा सा स्पीड दिया, तो एक पॉइंट पर जाकर स्पीड जरूर जीरो हो सकता है, पर यहाँ पर टेंशन पॉजिटिव है, टेंशन जीरो नहीं है। तो ए से बी के बीच में मुझे बताओ क्या पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा? नो नहीं, क्योंकि आपने देख लिया, इस एक्सप्रेशन से देख लिया, टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। अगर स्पीड जीरो हो जाता है, मान लो आपने जो स्पीड दिया वो कम दिया, तो वो आपके पास सर्कुलर आर्क में टू एंड फ्रो मोशन करेगा ओए के अबाउट, राइट? ये चीज सबको क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट?
यस मैम। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस करे क्या? हम लोगों ने बोला कि भाई वर्क डन ड्यू टू टेंशन यहाँ पर जीरो है, फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ना हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। हम लोग वी जो है, वी आपके पास अब इस सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी उसका स्पीड एक वेरिएबल है। जैसे अगर मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रही थी तो इसके ऊपर स्पीड की बात कर रही हूँ, आप ऊपर जाओगे तो स्पीड कुछ और घट जाएगा और ऊपर जाओगे कुछ और घट जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसी स्पीड के अंदर, मतलब जो स्पीड आप उसको देते हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, उस स्पीड के अंदर हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, हमने पॉइंट एक ले लिया ये वाला, एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, ए पॉइंट के ऊपर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हम इसको बेसलाइन मान लेते हैं। बी पॉइंट पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हमने कोई भी बीच का पॉइंट माना है, वो पॉइंट नहीं है कि भाई जहां जाके वो रुक जाएगा, कोई स्पीड है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट बीच में माना है। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने निकाली थी, आपको क्या चाहिए था? ये हाइट की, वो यहाँ से कितना ऊपर गया है वो हमने निकाली, r माइनस r cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ v स्क्वायर का एक फॉर्म आता है, एक इक्वेशन आती है, v स्क्वायर को उठा के हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइनल हमारे पास एक टेंशन का रिजल्ट आता है ये वाला। दिस इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्कल। अब इसमें अलग अलग थीटा की वैल्यू पुट करके आप टेंशन निकाल सकते हो। अगर आपको मैं va दे दूं, मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतना स्पीड है, मैंने बता दिया आप लोगों को, शिवानी को बता दिया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है और एंगल जो है, जो बॉब का एंगल है वो 30 डिग्री है, तो पुट करके वहां पर टेंशन निकाल लेगी। एंगल बोल दू 45 डिग्री है, वहां निकाल देगी टेंशन, 90 पे निकाल देगी, 180 पे निकाल देगी। तो कहीं पर भी अब आप टेंशन निकाल सकते हो। दिस इज इजियर देन दिस वन एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपको निकालना पड़ता फिर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी टेंशन को उठाया हम लोगों ने और तीन मेजर पॉइंट पे हमने चेक किया कि टेंशन क्या है। तो पहले पॉइंट पे जब आप चेक करते हैं, इसके लिए थीटा क्या है बताओ जरा, इसके लिए थीटा क्या था? जीरो डिग्री। आप इस एक्सप्रेशन के अंदर जीरो डिग्री पुट करते हैं, फिर आप थीटा 90 पुट करते हैं फॉर बी पॉइंट, फिर थीटा आप सी पॉइंट के लिए क्या पुट करते हैं? 180 डिग्री। तीन इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है ए पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा है, देन बी पॉइंट पर उससे कम है, देन सी पॉइंट पर उससे कम है। यानी ऊपर जाते हुए टेंशन भी घटती है और स्पीड भी घटती है। दिस इज योर सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कि ऊपर जाते हुए स्पीड घटती है और टेंशन घटती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था आपको? ए से बी के बीच में टेंशन कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर आर्क में ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर लेगा। स्पीड जीरो हो सकता है ए और बी के बीच में, बट टेंशन जीरो नहीं है। स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा, हमेशा याद रखो टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रिंग ढीला पड़ जाता है, स्ट्रिंग स्लैक करता है। ठीक है, तो अगर मान लो उसको सर्कुलर पाथ में रहना है तो टेंशन होना चाहिए। टेंशन नहीं होगा तो वहीं पर पार्टिकल जो है वो गिरने लग जाएगा, जो स्ट्रिंग है वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ए से बी के बीच में स्ट्रिंग स्लैक नहीं होता, ए से बी के बीच में आपके पास टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव है, स्पीड जीरो हो सकती है। ए से सी तक जाते हैं तो आपके पास टेंशन घटती है और स्पीड भी घटती है। अब आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन, अगर जीरो पे इक्वल होता है तब भी स्लैक नहीं होता है। टेंशन जब जीरो होता है बेटा स्ट्रिंग स्लैक करता है, और टेंशन नेगेटिव होता है तो भी स्ट्रिंग स्लैक करता है। टेंशन पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है जब हम पॉइंट सी पे पढ़ते हैं। अब देखो जैसे बी एंड सी के बीच में हम जब स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो मेरा बॉब है सपोज उसके पास इतना स्पीड था कि वो यहां पहुंच गया और इसने इसके साथ ये ओसी के साथ जो एंगल बना रखा है ये फाई बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फोर्सेस देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक तो टेंशन अंदर लग रहा है, एक ये फाई है तो ये एंगल भी फाई होता है, तो एम जी का कॉम्पोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन में, एम जी कोस फाई। ठीक है, और हमारे पास अगर इसी के ऊपर बैठ के मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है एमवी स्क्वायर बाय में आर। अब ना तो हम बाहर जा रहे हैं ना हम अंदर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, टी प्लस में एम जी कोस फाइ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर। अब यहाँ पर टेंशन देखो, ये दो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना टर्म्स, पहले वाली में दोनों ऐड हो रही थी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस में एम जी कोस थीटा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ टेंशन के जीरो होने के चांसेस है। ठीक है, अभी पीछे हमने देखा ए से बी से सी पर जब आप जा रहे हो तो टेंशन जो है डिक्रीज होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहां से मैं आपको पढ़ाती हूँ, देखिए
पॉइंट मास विल कंप्लीट द सर्कल ओनली एंड ओनली इफ टेंशन इज नेवर जीरो. अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ना, अगर किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होगा तभी तो सर्कल पूरा कंप्लीट होगा. अगर किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया तो स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा एंड वो गिरने लग जाएगा. ठीक है, एक्सेप्ट मोमेंटरली इफ एट ऑल इफ टेंशन बिकम जीरो एट एनी पॉइंट स्ट्रिंग विल गो स्लैक एंड सब्सिक्वेंटली द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटी. टेंशन अगर हट गया तो कौन सा फोर्स रह जाएगा? ग्रेविटी तो लग रहा है. सब्सिक्वेंट मोशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अंडर ग्रेविटी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना. ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर टेंशन टॉप पॉइंट पर ग्रेटर देन, जिसको भी प्रॉब्लम बेटा एक सेकेंड रुको जुबे, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस. सी पॉइंट पर अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हर पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा? आपको पता है ए से सी में जा रहे हो जब आप, तो ऊपर जाते हुए टेंशन घटता है. अगर सी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो तो सी पॉइंट से पहले तो उससे ज्यादा ही होगा ना, राइट? और सी पॉइंट के बाद भी उससे ज्यादा ही हो रहा है. अगर सी पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है तो हर पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है और पाथ जो है ऑब्जेक्ट का सर्कल में रहेगा, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. लेकिन सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर फॉर अ मोमेंट टेंशन अगर जीरो हो जाता है तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा. पर आप मुझे ये बोल सकते थे मैम अभी तो आपने बोला कि टेंशन जहां जीरो होगा वहां ढीला हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, इट विल फॉल, इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. बट अभी आप बोल रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो हो रहा है फॉर अ मोमेंट तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका स्ट्रिंग ढीला नहीं हो रहा. ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए इस पॉइंट के ऊपर बेटा एक मिनिमम स्पीड होना जरूरी है. अगर सपोज यहां पर स्पीड में जीरो कर दू, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर स्पीड यहां पर जीरो कर दी, स्पीड में जीरो करूंगी तो वो फॉल करने लग जाएगी ना, बताओ फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा. ओ मैम, तो सी पॉइंट पर एक स्पीड है, वही जो स्पीड है वो उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ यहां से यहां ले आई. मान लो यहां आते ही तो टेंशन फिर बढ़ जाएगा ना. टेंशन बढ़ते ही क्या है, दोबारा से आपके पास वो सर्कुलर मोशन करने लग गया. मतलब फॉर अ मोमेंट अगर टेंशन जीरो हो जाता है ना सी पॉइंट पर, मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जस्ट पहुंच गया सी पॉइंट पर, ठीक है, और घटते 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 टेंशन की मिनिमम वैल्यू ले लो कि वो टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो बन गई है. जीरो बन गई तो भी उसके पास एक मिनिमम स्पीड होती है, ठीक है, तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा. अगर वो मिनिमम स्पीड नहीं होगी तो वो सी पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं. जो हमने कल निकाली थी ना अंडर रूट जी आर, वो मिनिमम स्पीड होती है यहाँ पे जब टेंशन जीरो होती है. अगर उस स्पीड से ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन जीरो से बड़ी है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो जिस चीज के ऊपर हमको चेक करना है कि जब टेंशन जीरो है तब भी वहां पर एक स्पीड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो जाएगा. ऑल्दो हम ये बोल रहे हैं कि टेंशन जीरो होने पर स्ट्रिंग ढीला होता, स्लैक होता, बट सी पॉइंट पर नहीं होता क्योंकि वहां पर वहां एक स्पीड होती है ड्यू टू इनर्शिया. वो जो स्पीड है उस पॉइंट से थोड़ा उसको आगे ले आएगी और आगे जाते ही फिर से टेंशन बढ़ता है और आपके पास टेंशन अब जीरो से बड़ा अगर हो जाता है तो फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि अगर यहां पर बच गया तो फिर सब जगह ही बच जाता है ना. आई बात समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सी पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दोनों केसेस अगर है, दोनों में ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है. अगर सी पॉइंट पर टेंशन बच जाए तो सब जगह बच जाता है, बाकी जगह तो कहीं पर भी जो है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा ही. ठीक है, क्लियर है? बस जीरो वाले पॉइंट को समझना जरूरी है कि जीरो जब है तब भी वहां पर, जब टेंशन जीरो तब भी वहां पर एक मिनिमम स्पीड है अंडर रूट जी आर जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको थोड़ा उस पॉइंट से आगे ले जाने के. अगर आगे जाते क्या हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाता है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर है ये चीज सबको? तो टॉप पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो दोनों ही केसेस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा. जब टेंशन जीरो है उस समय पर वहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट जी आर. अंडर रूट जी आर, ये ठीक है.
अगर उससे ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और टेंशन जीरो से ज्यादा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जीरो वाला केस होता है। और ये चीज हमने निकाली थी कि भाई मैं ये बोलती हूँ अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है ना तो टेंशन सी के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं इस इक्वेशन को उठा के वो स्पीड निकाल रही थी, यहाँ पर टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप पुट कर दोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कोस फाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कोस फाई। और यहाँ सी पॉइंट पर फाई की वैल्यू क्या है, जीरो 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 हो गई, तो यानी कि वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। मिनिमम स्पीड क्या है यहाँ पे, अंडर रूट जी आर, ठीक है, क्लियर है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो स्पीड जीरो नहीं हो रही ना, नो सर। अगर हो जाती तो आप ये बोलते कि भाई वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा फिर। अब इसी से हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया कि जो मिनिमम स्पीड है ना किसी भी पॉइंट पर जहां तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे, मान लो सी पॉइंट पर मिनिमम स्पीड क्या है कि स्ट्रिंग ना स्लैक करे, वो क्या है यहाँ पर, अंडर रूट जी आर। इसी को हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, मिनिमम वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फॉर विच स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो सर्कल में, अगर आप निकाल रहे हो किस पे, सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पे आपको पता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर पहुंच जाए, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फॉर विच स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट दैट पॉइंट, तो सी पॉइंट पर स्लैक ना करने की कंडीशन क्या है कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना सी पॉइंट पे। और जैसे ही आप ये कंडीशन पुट करते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन से मेरे पास एक मिनिमम स्पीड और मिनिमम वेलोसिटी आ जाती है, यही क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी क्या है, अंडर रूट जी आर। क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट किया तो उस समय टेंशन कितना है सी पॉइंट पे, जीरो। और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से सर्कल कंप्लीट होगा, टेंशन भी ग्रेटर देन जीरो रही। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया बी पॉइंट के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने कहा निकाली बी पॉइंट पर। भाई क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी पॉइंट का मतलब क्या है कि वहां तक स्ट्रिंग पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैंने ये यही चीज लिया, यही उठाया। अब मैं बी पे स्टडी कर रही हूँ तो बी पे मेरा फाई कितना हो रहा है बेटा, बी पे फाई कितना है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही करेंगे, और फाई को जब हम 90 पुट करते हैं तो मेरे पास ये कंडीशन निकल के आती है, वी मिनिमम इज ग्रेटर, सॉरी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बी तक पहुंचेगा, और मिनिमम स्पीड क्या होगी वहां पे, जीरो, जीरो होगी, ठीक है। जब आपके पास मिनिमम स्पीड है तो टेंशन भी मिनिमम ले लेते हैं जीरो, अगर मिनिमम से ज्यादा है तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, तब वो बी से थोड़ा और ऊपर निकल जाता है। लेकिन हमें क्रिटिकल निकालने की वहां तक पहुंच जाए तो उसके लिए मिनिमम स्पीड बी पर कितनी आ रही है, जीरो, और टेंशन कितनी है, जीरो। अब जैसे ही ये कंडीशन पहुंच जाएगी ना बी पे तो वो फॉल करने लग जाएगा, क्योंकि टेंशन जीरो पे तो स्लैक हो जाता है ना, स्ट्रिंग पहुंच जाएगा वहां तक बट वो स्लैक करने लग जाएगा, वहां से उसका फॉल होने लग जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कर लिया कि सी पे मिनिमम कितना होना चाहिए अगर सी तक पहुंचना है, बी पे मिनिमम कितना होना चाहिए अगर बी तक पहुंचना है, टेंशन सी पर क्या होगी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी तक पहुंचना है तो टेंशन वहां कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मिनिमम जीरो होनी चाहिए, और ग्रेटर देन होगी जीरो, जीरो तो भी चलेगा। अब ए पॉइंट पे भी तो कोई स्पीड देनी पड़ेगी ना कि यहां तक पहुंच जाए या यहां तक पहुंच जाए, उस मिनिमम स्पीड की तो बात ही नहीं करी, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है फाइंड वेलोसिटी एट ए पॉइंट सच दैट पार्टिकल रीचेस पॉइंट सी, सी पॉइंट है ये वाला, यहां तक पहुंच जाए एंड कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाला कंडीशन है बेटा। और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जस्ट कंप्लीट, अरे हैंडराइटिंग हो क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर, यू नो कंप्लीट द वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, जस्ट कंप्लीटेड, ये वाली कंडीशन ले ली है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, अभी आप ही देखो बताओगे मुझे
पहले तो मुझे बताओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये लिखते हैं। अब हमारे जो पॉइंट ऑफ स्टडी है, पॉइंट ऑफ स्टडी ए ए, और कहां तक पहुंचना है सी सी, क्लियर है ये चीज सबको। हम कहां देख रहे हैं भाई, यहां पर और यहां की बात करें, इससे बीच इसके बीच में वर्क डन ड्यू टू टेंशन जीरो रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन है नहीं, तो जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे थी उतनी ही सी पॉइंट पे है। ए पॉइंट पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हमने कोई एक काइनेटिक एनर्जी दी है वी ए, हमने उसको वेलोसिटी दी है वी ए, तभी तो आपके पास वो सी तक पहुंचेगा ना, ठीक है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जाते हुए ये काइनेटिक एनर्जी ही तो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, बदलती या नहीं बदलती, ये आपके पास ये भी रेडियस आ रहा है, मतलब कितना हाइट ऊपर चला गया वो 2r, इसको बेस ले लेते हैं u equals to 0। अब देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि a पॉइंट पर कितना मिनिमम स्पीड आप या स्पीड कह लो वेलोसिटी दोगे कि c पॉइंट तक पहुंच जाए और सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो आपने अभी पीछे इस चीज सॉल्व करी थी कि c पॉइंट के ऊपर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट gr होना चाहिए, यस और नो? यस मैम। यानी इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम, जैसे मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी है ना कि कितनी मिनिमम चाहिए, तो जो मिनिमम स्पीड यहाँ है वो हम ले लेते हैं अंडर रूट gr होता है यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब ये वाली जो स्पीड होती है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है इक्वल टू अंडर रूट gr या ग्रेटर देन अंडर रूट gr, दोनों में ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। तो मिनिमम कंडीशन निकालनी है भाई, कितनी मिनिमम दे कि वो जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर वो मिनिमम स्पीड हमने ले ली अंडर रूट gr। तो यहां से देखो, अब आप ही बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट क्या है बेटा, आपने यही तो दिए वी ए, यही मुझे निकालनी है। हाफ मास हम मान लेते हैं इसका एम वी ए स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना होगा, यहाँ पर उसके पास एक स्पीड है अंडर रूट जी आर, सो हाफ एम अंडर रूट जी आर का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितना होगा एम जी इंटू क्या लिखो आर माइनस टू आर, ये बेसलाइन है ना आपका, बेसलाइन से ऊपर कितना चले गए आप टू आर, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहली बात क्या क्या कट रहा है वो काटो, मास कट रहा है ना, मास गया यस मैम, और टू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आएगा वी ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी आर अंडर रूट जी आर का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बच जाएगा जी आर प्लस में, प्लस में कितना आएगा ये फोर जी आर, तो यानी वी ए स्क्वायर कितना हो गया फाइव जी आर, यानी वी ए कितना हो गया बेटा अंडर रूट अंडर फाइव जी आर। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड एट ए पॉइंट जो कि होनी चाहिए बॉब की, ताकि वो जस्ट कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब आपके पास अंडर रूट फाइव जी आर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने हैं, ए पॉइंट पर मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर रूट फाइव जी आर, उस समय पर सी पर कितनी स्पीड है अंडर रूट जी आर, ये चीज सबको, और टेंशन यहाँ पर कितनी होगी उस समय पर जीरो, सी पॉइंट पर जीरो होगी, ठीक है। अगर मान लो इसी के अंदर मैं ये बोलूं कि भाई स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट फाइव जी आर है तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। देखो हमने क्या किया, हमने जो स्पीड रखी है ना अंडर रूट जी आर वो मिनिमम वाली रखी है, वो मिनिमम के लिए हमने स्पीड निकाली अंडर रूट फाइव जी आर बन रही है। अगर अंडर रूट फाइव जी आर से ज्यादा रहती है तो ऑब्वियसली ऊपर भी स्पीड ज्यादा ही रहेगी, अंडर रूट जी आर से तो ज्यादा ही रहेगी ना। या आप अगर इसको ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि जो आपने यहाँ पर स्पीड ली है ना, जो सी पॉइंट पर सी है स्पीड है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर, यहाँ पर जब आप स्पीड पुट करते हो ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर, तो वी ए आपका निकल के आता ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी आर। तो स्पीड अगर अंडर रूट फाइव जी आर के बराबर है तो वो तो हमारे पास सबसे मिनिमम वाली कंडीशन आ गई कि वो आपके पास सी तक पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पर अंडर रूट जी आर स्पीड होगी, इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर अंडर रूट फाइव जी आर से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, वी जो सी पॉइंट पर है स्पीड वो अंडर रूट जी आर से भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आराम से आपके पास जो है
सर्कल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अंडर रूट जीआर से छोटी नहीं होनी चाहिए ना, अंडर रूट जीआर से तो ज्यादा हो सकती है ऊपर। क्लियर है? आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 5gr सॉल्व करके आपका आता है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ए पॉइंट पर आप 5 मीटर पर सेकेंड से बॉब को मूव कराते हैं ना, तो सी पॉइंट पर आपके पास अंडर रूट जीआर सपोज आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड अगर दे दोगे, 10 मीटर पर सेकेंड दोगे, तो ऑब्वियसली बात है ना, सी पॉइंट पर और भी ज्यादा स्पीड होगी, और भी एनर्जी होगी। हो गया नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, सो आपके पास अगर इक्वल टू अंडर रूट 5gr है, इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। और उस पॉइंट पर, सी पॉइंट पे, आपको याद रखना अंडर रूट जीआर स्पीड होती है, टेंशन सी पॉइंट पर जीरो होती है। अगर ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। अब बात करते हैं हम लोग, फाइंड द वेलोसिटी एट ए सो दैट पार्टिकल जस्ट रीचेज एट पॉइंट पी। अब कहां तक पहुंचाना है? बी पॉइंट तक पहुंचाना है। बी पॉइंट। अब यहाँ के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। भाई यहाँ जितनी टोटल एनर्जी है वही तो यहाँ पर रहेगी, पहले काइनेटिक है अब वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सपोज आपने जो स्पीड दिया वो वीए दिया, इतना दिया कि जस्ट यहाँ तक पहुंच जाए, जस्ट यहाँ तक पहुंच जाए, तो इसमें यहाँ क्रिटिकल स्पीड क्या थी आपके पास? वी एट बी कितना था? या तो आपके पास बी पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी हमें चाहिए कि मिनिमम स्पीड कितना दो कि जस्ट वहां तक पहुंच जाए। तो यहां पर आपको स्पीड कितना लेना है बी पॉइंट पर? जीरो। टेंशन कितना था उस टाइम पे यहाँ पे? जीरो। सो अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कौन से दो पॉइंट्स है? ए है एक तो, और एक बी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए बताओ कितना लिखूं? हाफ एम, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या लिखे, इसको बेस लाइन ले लेते हैं, जीरो हो जाएगी। जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा? जीरो। भाई वहां तक पहुंचने का कंडीशन क्या है? कि वहां जाकर स्पीड जीरो हो। ठीक है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा? एम जी आर। आर कितना ऊपर है? ये आर डिस्टेंस ही तो ऊपर है, तो यहां से मास कर गया तो वी ए स्क्वायर कितना आ गया? 2gr। यानी वी ए कितना हो गया? रूट 2gr। यस, अंडर रूट 2gr। तो अगर स्पीड ए पॉइंट पर अंडर रूट 2gr है ना, तो बी तक पहुंच जाएगा, और उस समय बी पर कितनी स्पीड हो जाएगी जाके? जीरो। और वहां टेंशन क्या होती है? जीरो। ठीक है, क्लियर है चीज? तो इसके थोड़े से कंक्लूजन करते हैं। मैं अभी आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, ठीक है, मुझे बताना। जैसे पहला कंक्लूजन यही है कि अगर स्पीड फर्स्ट जो है एट ए पॉइंट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, वो ए पॉइंट है, ये वाला स्पीड अगर ए पे इक्वल टू अंडर रूट 5gr है, ठीक है, तो ये किस पॉइंट तक पहुंच जाएगा? सी पॉइंट तक। इट विल रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना होगा? अंडर रूट जी आर। इंजन कितना होगा वहां पे? जीरो। स्ट्रिंग स्लैक करेगा? करेगा या नहीं करेगा? सी पॉइंट पर स्लैक नहीं करता, क्योंकि उसके पास मिनिमम स्पीड है जो उसको तुरंत थोड़ा सा आगे ले आती है, और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगर वी ए ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr है, तो क्या आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा? Yes, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लिख दो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीटेड। अच्छा, टेंशन क्या होगा फिर? मैम ग्रेटर देन जीरो। यस, टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो एट सी, और ग्रेटर देन जीरो एट सी है तो कमाल की बात है कि हर जगह टेंशन ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट उस पाथ को नहीं छोड़ता, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक। दोनों ही केसेस में स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता, विल नॉट स्लैक।
चलो अगला डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट. अगर VA इक्वल्स टू अंडर रूट 2GR है तो कहां तक पहुंचता है? बी पॉइंट. यस, इट विल रीच टू पॉइंट बी. और पॉइंट बी पे उस समय स्पीड कितना होता है बेटा? जीरो हो जाएगा. टेंशन कितना होता है? वो जीरो से इक्वल नहीं होगा. यस, यहाँ स्प्रिंग स्लैक कर जाएगा, यहाँ गिरने लग जाएगा. ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्पीड ही जीरो हो गया ना. यहाँ सी पॉइंट पर तो स्पीड जीरो होता ही नहीं है. ठीक है, अंडर रूट जी आर होता है या उससे ज्यादा होता है. अगर वहां सी पॉइंट पे सी अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले ही कहीं टेंशन जीरो हो गया होगा और उसने अपना सर्कुलर पाथ छोड़ दिया होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए बस टी का जीरो, टी जीरो है, वो दिमाग में रखो कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा, अदरवाइज सब जगह स्लैक करता है. ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रिंग विल स्लैक. ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट कंडीशन बताओ मुझे. अगर एट बी पॉइंट, अच्छा वी ए नहीं, अगर ए पॉइंट पर स्पीड जो है लेस देन अंडर रूट 2GR है तो क्या होगा? क्या वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा? करेगा, मतलब सर्कुलर आर्क में करेगा, आर्क में करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा. ऑब्जेक्ट विल, आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट विल मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं ना. क्या टेंशन जीरो होगा यहाँ पे कहीं पर भी? नो मैम, नहीं होगा. टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट जीरो. स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगा. क्या था? टेंशन पॉजिटिव, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, नेवर स्लैक. तो ए से बी के बीच में तो स्ट्रिंग स्लैक करता ही नहीं. स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक. ठीक है, तो ए से बी के बीच में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होता, स्पीड जीरो हो सकती है. बी से सी के बीच में या सी पे भी स्पीड जीरो नहीं होती अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, टेंशन जीरो हो सकती है. अब मान लो मैंने स्पीड अब इनके बीच में कर दी, अगर मेरी जो स्पीड है, जो लास्ट पॉइंट है वो है, अगर आपकी जो स्पीड है ए पॉइंट पर वो अंडर रूट 5GR से छोटी है और ग्रेटर देन अंडर रूट 2GR है, तो कहां पर आपका मोशन हो रहा है? बी और सी पॉइंट के बीच में ना. अब यहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट ही नहीं होगा, कहीं बीच में ही तो पाथ छोड़ देगा वो. वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी है? कि एटलीस्ट सी तक पहुंचे विद स्पीड अंडर रूट जी आर. ठीक है, सो आपके पास यहां क्या होगा? पार्टिकल विल लीव सर्कल बिटवीन बी एंड सी. इसका मतलब टेंशन कहीं पर जीरो हो जाएगा. T will be zero somewhere between B and C. और याद रखिए B से C के बीच में speed is never zero. Speed is never zero. Clear है सबको? ये कुछ चार पांच पॉइंट अगर आपको समझ में आता है ना, ये सेट हो गए अगर दिमाग में, तो गड़बड़ नहीं करोगे. क्लियर है सबको? बोलिए. Yes, ma'am. चलो अब न्यूमेरिकल्स करें इसके, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा. देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं. पहला सवाल है, इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सच अ स्पीड सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, फाइंड टेंशन एट ए बी एंड सी. तो मान लो ये आपके पास वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो ठीक है सर्कल नहीं लग रहा, समझ लो सर्कल है. ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है. तो आपको क्या बोला है कि इतनी स्पीड से आपने इसको फेंका कि इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल. तो यहां पर कितना स्पीड होना चाहिए मिनिमम टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन ए पॉइंट पे? रूट 5GR. अंडर रूट 5GR जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. उसका कंडीशन है कि ए पे एटलीस्ट अंडर रूट 5GR होना चाहिए. ठीक है, सो इस समय पर सी पॉइंट पर कितना स्पीड होता है? अंडर रूट जी आर. अब इन्होंने टेंशन पूछा, देखो टेंशन कैसे निकालेंगे. सपोज सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, यहां पर देखते हैं टेंशन कितना ए पॉइंट पर. तो ए पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस देखिए बेटा क्या है. एक तो इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये आपके पास स्ट्रिंग है मान लो. ठीक है, और एक लगेगा टेंशन, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसी के ऊपर बैठ के. तो आप कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप इस
में ये महसूस करेंगे कि एक एमवी स्क्वायर बाय आर लग रहा है बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ना आप अंदर जा रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर प्लस में एमजी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पीड पता है कितनी है, टेंशन एट ए पॉइंट हम देख रहे हैं, टेंशन एट ए पॉइंट क्या होगा बेटा, एम अंडर रूट फाइव जी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव जी आर बाय में आर प्लस में एम जी, तो टेंशन कितना आ गया, सिक्स एम जी। सिक्स एम जी, तो ये एक रिजल्ट है जो याद भी होना चाहिए कि टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना होता है, सिक्स एम जी। ठीक है, अब टेंशन एट सी पॉइंट चेक करते हैं, किसी ने हैंड रेज किया क्या, या शिवानी बोलो बेटा। मैम मेरा फोन का डाटा खत्म हो रहा है और स्क्रीन मैच हो रही है तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग वाली क्लास देख लेना, ओके इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ पर आ जाओ। अब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, इस तरीके से ऊपर पहुंच गया, अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो जरा, एक तो इसका वेट तो नीचे ही लगेगा अब, राइट? यस मैम। और टेंशन भी नीचे लगेगा, राइट? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, राइट? यस मैम। यानी अगर हम सी पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं तो टेंशन एट सी पॉइंट प्लस में एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर। यस मैम। इंप्लाइज टेंशन एट सी पॉइंट इक्वल्स टू एम जी माइनस में आ जाएगा प्लस में एम वी स्क्वायर बाय में आर। अब टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन सी पॉइंट पर कितना स्पीड था, अंडर रूट जी आर। तो माइनस एम जी प्लस में एम अंडर रूट जी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी आर बाय में जी आर, और यही हमने सॉरी बाय में आर नॉट जी आर, तो हमारे पास टेंशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा ना, आ रहा है ना। यस सर। और यही हम बोल रहे थे जब हम टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन का कंडीशन जब था सी पॉइंट पर हम क्रिटिकल वेलोसिटी लेते हैं अंडर रूट जी आर तब टेंशन हम जीरो लेते हैं, और वो हमारा प्रूफ भी हो गया जीरो आ रहा ना। वैसे जीरो तो नहीं आएगा ना, क्या कह रहे बेटा, जी नहीं आएगा, हाँ जी नहीं आएगा, सॉरी। यस अनम बोलो बेटा। मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, नीचे वाला जो आपने ग्रीन पेन से लिख रखा है। हाँ देखो यहाँ पर हम क्या करें, सी पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालना चाहते हैं, तो सी पॉइंट पर हमने बॉब को पहुंचा दिया, ठीक है। कंडीशन ये है कि जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, उस समय पर ए पॉइंट पर अंडर रूट फाइव जी आर होता है, सी पॉइंट पर अंडर रूट जी आर स्पीड होती है। यस मैम। सो हमने देखा सी पॉइंट पर उसका वेट नीचे लग रहा है, टेंशन तो स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट लगेगा ना, नीचे की तरफ ही लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। अब ना तो बाहर जा रहा है बॉब ना अंदर आ रहा है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने लिख लिया टी सी प्लस में एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी इधर ले गई मैं, नेगेटिव आ गया प्लस में एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वी की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दी, जो यहाँ पर होती है कितनी होगी, यहाँ पर अंडर रूट जी आर, वो पुट किया तो आपने सॉल्व किया तो जीरो आ गया। और वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन का कंडीशन जो होता है ए पॉइंट पर अंडर रूट फाइव जी आर स्पीड होनी चाहिए और सी पॉइंट पर अंडर रूट जी आर होनी चाहिए, और वहां टेंशन जीरो होता है उस टाइम पे। क्लियर है, यही तो डिस्कस किया था ना, जीरो होने के बाद भी वो स्लैक नहीं करता क्योंकि उसके पास स्पीड अंडर रूट जी आर होती है जो उसको थोड़ा जल्दी से आगे ले जाएगी और उसका टेंशन बढ़ा देती है। क्लियर है। अब एक पॉइंट बच गया ना, बी पॉइंट। अब मुझे बताओ जब ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो इसका कुछ स्पीड घट रहा होगा, मान लेते v हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ स्टडी करेंगे आप तो वेट तो नीचे लग रहा होगा, टेंशन अंदर लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर लग रहा होगा, राइट। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि टेंशन ही बराबर है एमवी स्क्वायर बाय में आर के, और तो कोई फोर्स नहीं, एमवी वाला तो नीचे लग रहा है, यस और नो, राइट। तो टेंशन अगर मुझे बी पॉइंट पर अब निकालनी है तो मुझे उसके लिए स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ आती है समझने वाली बात, और यही चीज अब बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लगेगी। जैसे यहाँ निकालना है हमको, ये बी पॉइंट है, नीचे लग रहा है इसका एम जी वेट, ठीक है, और मान लो ऊपर जाते हुए यहाँ पर इसका स्पीड हो गया वी, बाहर इस पे लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय में आर, अंदर इस पे लग रहा है टेंशन, तो टेंशन एट बी पॉइंट क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको निकालने के लिए मुझे वी चाहिए है, और यहाँ मुझे पता है कि कितना स्पीड दिया है, अंडर रूट फाइव जी आर। अब मुझे बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो मैं लगा सकती हूँ ना। यस।
ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट मान लो, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ए पॉइंट है वहां पे तो अंडर रूट 2 gr होगा ना। नहीं, वो क्रिटिकल स्पीड होती है कि बस बी तक पहुंचते हैं उस केस में। अभी तो आप यहां तक पहुंच रहे हो, सी पर जा रहे हो, जीरो नहीं हो रहा ना। उस केस में तो ये था कि यहां तक पहुंचते थे, उसके बाद वो गिरने लग जाएगा। अभी तो टू जस्ट कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो यहां पर जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है? कोई कुछ और स्पीड होगी भी। क्लियर है? यस मैम। अब हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे और आप ही मुझे बताएंगे कि मैं क्या क्या टर्म्स लिखूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताओ मुझे, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे लिखेंगे। पहले तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, ए पे कितनी होगी? हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए अंडर रूट 5 gr का स्क्वायर, तो 5 gr कर दू। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो मान लेते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, हाफ एम प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी आर एम जी आर। अब क्या क्या कट रहा है काटो जरा, मास कटा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 gr, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस में 2 gr, तो v कितना आ रहा है? मैम 2 से 2 मल्टीप्लाई किया। ये थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए, जैसे अगर यहाँ एक 2 है फ्रैक्शन में, यहाँ 2 है और एक टर्म ये ऊपर, मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो रहा है ना, हाफ हाफ खत्म हो गया, इधर एक 2 आ जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। निकालना तो हमें वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर के साथ, या तो आप ऐसे करो फिर यहाँ पर हाफ वी स्क्वायर रखो, फिर हाफ 5 gr में से gr माइनस करो, रिजल्ट उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है? Yes, अभी देखो यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया, तो जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, बी के ऊपर कितना स्पीड होना चाहिए? √3 gr। जैसे अंडर रूट 5 gr होना चाहिए ए पे, सी पे होना चाहिए अंडर रूट gr, बी पे कितना होना चाहिए? √3 gr। अब बताओ मैं इसमें अगर पुट कर दूं तो मुझे टेंशन एट बी पॉइंट नहीं मिल जाएगा क्या? एम अंडर रूट 3 gr का स्क्वायर बाय में आप, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कितना आ जाएगा? आर से आर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया, 3 mg, 3 mg आएगा। अच्छा ए पे कितना आया था? 6 mg। बी पे कितना आया? 3 mg। सी पे कितना आया था? 0। तो टेंशन डिक्रीज भी हो रही है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ए से बी से सी पे जाते हुए टेंशन घटती है, घट रही है ना, घट रही है नहीं घट रही है? Yes, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे बार बार दोबारा दोबारा प्रूव हो रहे हैं ना। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एट व्हाट एंगल फाई पार्टिकल लीव सर्कल इफ इट्स स्पीड इज बिटवीन अंडर रूट 2 gl एंड अंडर रूट 5 gl, बताओ। जो आपको आपको क्या करा है, इन्होंने ए पॉइंट के ऊपर ना स्पीड दे दी, कितनी दे दी? अंडर रूट 3 gl। आपको पता ही अंडर रूट 5 gl तो है नहीं, ठीक है, तो ये सी तक तो पहुंचेगा ही नहीं। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन? सी यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 5 gl होगी, तभी तो आपके पास यहाँ जाकर अंडर रूट gr आती है, तभी तो घूमता है। अब ये तो अंडर रूट 5 gl से भी कम है, तो यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। अब अंडर रूट 2 gl से कम होता तो इसके बीच में आता, अब अंडर रूट 2 gl से ये ज्यादा है, तो कहाँ का मोशन है? बी और सी के बीच का मोशन है, राइट? यानी आप कोई स्पीड ये दे रहे हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं मान लो यहाँ पहुंच गया। मैम 90 to 180 में आएगा ना? हाँ जी 90 to 180। तो यानी आपका जो ये पॉइंट है, ये जो बॉब है, ये बी से सी के बीच में पहुंच गया, बी से सी के बीच में वी जीरो नहीं होता, टेंशन जीरो होता है, यानी किसी पॉइंट पर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, ठीक है? तो वो पॉइंट, वो एंगल निकालना है कि कहाँ वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। तो मान लेते हैं वो एंगल जो है वो ये फाई एंगल बना रहा है, ये आर हो गया, ये आर हो गया आपके पास, ठीक है? अब यहां से स्टडी करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले बताओ क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ। चलो पहले तो हम यही देखते हैं यहां पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इस पॉइंट पर एक तो वेट लगेगा, राइट? लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा बाहर,
एमवी स्क्वायर बाय आर। टेंशन लग रही होगी अंदर। अच्छा। और क्या लग रहा होगा? यहाँ पर एम जी कोस फाई आएगा अंदर की तरफ, क्यों आएगा? ये एम जी नीचे लग रहा है ना, ये रेडियस आपका, ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा। एम जी का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी कोस फाई, राइट? आई ये बात समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसको इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? टेंशन प्लस में प्लस एम जी कोस फाई, कोस फाई दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर ना ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है, ठीक है? ठीक है, जहां पर वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वहां टेंशन जीरो हो जाएगा ना। टेंशन को जीरो कर दे, ठीक है? तो यहां से आपके पास मास से मास कटेगा, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जी आर कोस फाई, या इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी चीज लगा सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ए पॉइंट से ये कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं हम, एक्स पॉइंट, दिस इज योर एक्स पॉइंट, ए और एक्स, ठीक है? ए और एक्स पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ, देखो अब हमें चाहिए तो फाई था, लेकिन वी भी तो निकालना पड़ेगा ना, उस पॉइंट पर स्पीड कितना है, ठीक है? तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करें? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो ए पॉइंट पर बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? हाफ एम वी ए स्क्वायर, लिख दू 3gL। Yes, ma'am. एनर्जी जीरो कर दू, इसी को बेसलाइन ले लेते हैं हम लोग। एक्स पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई मुझे निकाल के बता दो। चलो ये निकाल के बताओ, मैं समझ जाऊंगी आपका मैथ्स ठीक ठाक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर आपके पास जो, इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर पहुंचा हुआ है ना, ये आपका सेंटर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी है बेस लाइन से वो कितना ऊपर है, तो बेस लाइन से वो कितना ऊपर है? इतना ही तो ऊपर होगा ना, यस और नो? तो ये डिस्टेंस कितना है? ये तो आपको पता ही है, आर है, राइट? आपको ये डिस्टेंस निकालना है बस, कितना होगा? कर सकते हैं? ये जो है ये भी तो ये आपके पास क्या है? रेडियस है, और एंगल देखो आपके पास, ये एंगल फाई है कि नहीं है? आर का इधर कंपोनेंट कितना होगा? आर प्लस कोस फाई। यस, आर कोस फाई, ठीक है? तो एम जी एच क्या लिखूं? आर प्लस आर कोस फाई, आर प्लस कोस फाई, आर कोस फाई प्लस आर कोस फाई, सो ये हो जाएगा आर कोस फाई कंपोनेंट ऑफ आर। यहाँ ये ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो एम एम जी ब्रैकेट में आर प्लस आर प्लस आर कोस फाई कोस फाई। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अब इसमें सॉल्व करके देखते, देखो यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर टू जो बनी है इसके अंदर हम लोग वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस मैम। तो मैम, हाँ जी बेटा। मैम मेरा डेटा ओवर हो गया है। अच्छा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जब तक चल रहा है चलाओ, फिर हम आगे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर ओवर हो गया तो देन फाइन, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है? अब मैं इसको आगे वाले पेज पे लिख लेती हूँ, थोड़ा सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ मैं आपको। हाफ एम ये आपके पास आया है 3gL, प्लस में जीरो आया था, और दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में एम जी ब्रैकेट में आर प्लस आर कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व। पहले इसमें v स्क्वायर पुट कर लेते हैं, पुट v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया था अपना v स्क्वायर पहले वाले टर्म से? gr cos phi, ठीक है? सो क्या क्या चीजें कट रही है, पहले तो वो काटो और फिर पुट करेंगे। पहले तो मास कट रहा है, मास कट रहा है, यस मास कट जाएगा आपके पास, ये मास गया, ये गया, ये गया, ठीक है? और टू से मल्टीप्लाई पहले ही कर दूं, इजी हो जाएगा।
यस ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 GL इज मैम, इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस थ्री में जी एल थ्री टू इंटू में 1 cos 5, बाहर आर मैंने इसमें कॉमन ले लिया। अब वी स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 GL, एल कहाँ से आ गया, आर लिया ना हम लोगों ने, स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट 3 GR है, यहाँ पर भी आर है, तो यहां से 3 GR इज इक्वल टू GR cos 5, अरे क्या हो रहा है, हाँ जी GR cos 5 प्लस में कुछ तो मिसिंग, एक ये जी भी तो है, 2 GR प्लस में 2 GR cos 5। अब कंबाइन कर लेते हैं सारी टर्म, देखो जी 3 GR 2 GR आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, GR और GR cos 5 प्लस में 3 GR cos 5, 3 GR cos 5 राइट, GR से GR कैंसिल, तो आपके पास cos 5 की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, इंप्लाइज 5 कितना है, cos इनवर्स 1/3, इतने एंगल पे वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। क्लियर है सवाल सबको, तो दो चीज करी हम लोगों ने, पहले तो हम लोगों ने टेंजेंट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करा कि बी से सी के बीच में टेंजेंट कहीं जीरो होगा अगर ए पे स्पीड अंडर रूट 2 GL और अंडर रूट 5 GL के बीच में है, तो इक्वेशन मैंने इक्विलिब्रियम वाले लिखी उसमें टेंशन को जीरो कर दिया, फिर मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाला क्योंकि मुझे अगर फाई निकालना है तो मुझे वी चाहिए, तो वी के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकती हूँ ए और एक्स पॉइंट पर, बस उसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पॉइंट कैसे निकालोगे, बाकी तो इजी है, ठीक है ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एंगल आता है कोस इनवर्स 1/3। अब इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ अंडर रूट 57, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप पहले ये स्पीड चेक करना कि ये अंडर रूट 2 GL से और अंडर रूट 5 GL के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। सो आप पहले निकालना, मैं आपको हिंट दे रही हूँ उसके लिए। मैम इसे भी वैसे ही करेंगे, हाँ इसमें देखो सबसे पहले आप करना अंडर रूट 5 GL निकालना, 5 GL क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेडियस को उन्होंने एल से लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 5 GL निकालो, अंडर रूट 2 GL निकालो, वैल्यूज आएंगे आपके पास कुछ अंडर रूट 75 और अंडर रूट 30 समथिंग आएगा, तो ये चेक करेंगे कि भाई जो गिवन स्पीड है वो अंडर रूट 2 GL से बड़ी है छोटी है या अंडर रूट 5 GL से बड़ी है छोटी है, उनके बीच में लाई करती हूँ, तो आपको उससे ये समझ में आएगा कि पार्टिकल कहाँ पर सर्कल को लीव करेगा, या फिर वो ए से बी के बीच में है या बी से सी के बीच में है, या फिर वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर देगा। तो सवाल यही है कि विल पार्टिकल लीव द सर्कल, वो आपको स्पीड चेक करके पता लगेगा लगेगा, मतलब ये दोनों सॉल्व करो, एल की वैल्यू 1.5 मीटर पुट करना, रेडियस जो है वो एल है और वो 1.5 दिया हुआ है, फिर ये चेक करो अंडर रूट 57 उनके साथ कैसे रिलेटेड है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो सर्कल को लीव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप वही करेंगे, जहां वो लीव करता है वहां टेंशन जीरो हो जाता है, एक तो इक्वेशन वो बनेगी और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास बाद में एक रिजल्ट आ जाएगा किस एंगल पे वो छोड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर एंगल नहीं है, हाइट है, ठीक है, तो हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, मान लो कहीं पर भी छोड़ेगा, बेस लाइन से देखना कि कितनी हाइट के ऊपर है, उसमें एंगल की वैल्यू पुट होगी, इसलिए बोल रही हूँ कि एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल की वैल्यू उसमें पुट होगी, तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर सबको ट्राई करना है क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलने वाला, आपको वैल्यू देंगे वो VA की, फिर आपको पूछेंगे बहुत सारे तरीके के सवाल, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको कराया ना स्टार्टिंग में, क्वेश्चन टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, वहां पर ए पॉइंट पर अंडर रूट 5 GL था, अब यहाँ पर अंडर रूट 10 GL है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप टेंशन वगैरह इस पे सारे फोर्सेस चेक करो, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, आपको टेंशन मिलेंगी, अलग अलग टेंशन मिलेंगी। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2018 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, इसमें भी यही करनी, पीछे वाला क्वेश्चन दिखाइएगा प्लीज। हाँ जी, ये लो बेटा, ओके मैम, पर एक ये वाला सवाल जरूर सॉल्व करेंगे, जरूर ट्राई करना इसको, ठीक है। और डीपीपी है, डीपीपी आपकी 10th डीपीपी है, एलन का जो मटेरियल है ना उसमें 10th डीपीपी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 20 या 1 से 20 टोटल ट्राई कर लेना। मैम हाँ जी बेटा,
मैम आपने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसका एक बार स्लाइड